इट्स योर फैम गर्ल हियर, आई एम बैक विथ अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइज, जैसे कि आज तो संडे है और मेरा सुबह का प्लान था एक अच्छा व्लॉग शूट करने का, मतलब एक बॉम्ब व्लॉग आने वाला था, लेकिन मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया जिसकी वजह से मैं सुबह नहीं निकल पाई और वो व्लॉग शूट नहीं हो पाया। सो अभी थोड़ा मतलब मेरा तबीयत ठीक लग रहा है तो मैं निकल गई हूँ। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, मौसम को देखते ही मेरा मतलब एकदम हेल्थ ठीक हो गया। तो अभी थोड़ा निकली हूँ तो मैं सोची जब निकली हूँ तो एक वीडियो शूट कर लिया जाए, और आप लोग मेरे को बोलते भी हो कि डेली लाइफस्टाइल के ऊपर व्लॉग बनाया करो, तो सोची कि एक व्लॉग शूट ही कर लूँ। तो अभी हम लोग जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, मज़ा करेंगे। सो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, जो करेंगे या नहीं करेंगे। सो लेट्स गो। फ़ोटोशूट कहाँ पर किया जाए हम लोगों को मतलब उतना नहीं पता था, और हम लोग फ़ोटोशूट के लिए लोकेशन ढूंढते भी है, तो ढूंढते ढूंढते ये जगह आके हम पहुँचे। जगह बहुत ही सुंदर है और मतलब फ़ोटोशूट के लिए एकदम परफेक्ट है। शायद ये जगह पहले शमशान हुआ करता था, अभी वैसा कुछ नहीं है, लेकिन लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। और आज हम लोग निकले हैं तो थोड़ा ये भी देख लिया, और एक काम के लिए भी निकले हैं। काम क्या है, वो एक अच्छा चीज़ आने वाला है, मतलब स्पेशल कुछ आने वाला है मेरे चैनल पे। अभी आप लोगों को नहीं बोलूँगी, वही काम के लिए थोड़ा निकले हैं। अभी वहाँ पर जाएंगे और बातचीत होगा, कुछ नया आने वाला है, ये आप लोग सोच रहे हो, और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा जो आने वाला है। तो चलो चलते हैं, ये जगह थोड़ा देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं, क्योंकि जगह बहुत ही सुंदर है। बहुत पसंद है, बहुत मतलब इतना घूमना पसंद करती हूँ क्या बोलूँ। लेकिन यहाँ पर मैं हेलमेट नहीं पहनी हूँ, ये एक बात है, क्योंकि मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता। मेरे को पता है कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, जब भी आप लोग निकलो हेलमेट पहनना ज़रूरी है, लेकिन मेरे को उतना पर्सनली अच्छा नहीं लगता। और दूसरा बात है कि मैं मेरे घर के सामने ही घूम रही हूँ जिसकी वजह से मैं नहीं पहनी हूँ। लेकिन आप लोग अगर निकलते हो तो आप लोग मस्ट हेलमेट पहन लेना, क्योंकि हेलमेट सेफ्टी के लिए होता है यार। ऑल टाइम किया एक्सीडेंट में ये बोलो कि हेलमेट की वजह से होता है, ये नहीं, कुछ ख़राब रोड की वजह से भी एक्सीडेंट होता है, तो सेफ्टी एकदम फर्स्ट होता है, हम लोगों को सेफ्टी लेना ही चाहिए। और ये बोलने वाली बात नहीं है, जो लोग बाइक चलाते हो या बाइक में स्कूटी में घूमते हो वो लोग जानते ही हो कि हेलमेट कितना ज़रूरी है, तो ये बोलने का कुछ बात नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है अभी। और देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। जाना भी था, एक प्लान था, तो वहाँ पर से जाके अभी फ़िलहाल लौट रहे हैं। सो आप लोगों के साथ मेरे को कुछ शेयर करना था, ये है कि आप में से कुछ लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं कि दीदी नया वीडियो कब आ रहा है, नया वीडियो कब आ रहा है। मेरा हफ्ते में 2 वीडियोस आ जाता है, लेकिन आप लोग फिर भी बोलते हो कि और भी वीडियोज़। अगर 2 वीडियोज़ से भी ज़्यादा वीडियोज़ मैं बनाऊँ तब मेरे को लाइफस्टाइल व्लॉग करना पड़ेगा। ऐसे तो मैं एक्सप्लोर और मार्केटिंग व्लॉग्स बनाती हूँ, लेकिन अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है इसमें हर रोज़ डेली मतलब बाहर जाके एक्सप्लोर या आप बोलो मार्केटिंग व्लॉग करना मतलब उतना इजी नहीं है। तो अगर मेरे को बनाना होगा तो मेरे को लाइफस्टाइल व्लॉग करना होगा। तो गाइज़ आप लोग क्या मतलब क्या सोचते हो, क्या लाइफस्टाइल व्लॉग स्टार्ट करूँ या ना करूँ?
फ्लैट बिल्डिंग ये सब बना दे रहे हैं, लेकिन ये जो जगह है ना एकदम पेड़ से भरपूर, और आप लोगों को सुनाई दे रहा है या नहीं मेरे को नहीं पता, पूरा मतलब देखो पंछियों की आवाज़ सुनाई दे रहा है और पेड़ पे यहाँ पर इतने सारे, आप लोगों को दिखाती हूँ एक मिनट। जाता है, इस साल थोड़ा लेट आया, तो मतलब अभी क्या होता है गर्मी मतलब एंड होता है और हल्का हल्का ठंड गिरना स्टार्ट होता है, मतलब इस टाइम का जो फीलिंग्स, अभी का जो वेदर है आप लोगों को मतलब क्या बताएं, ये जो वेदर है मतलब इससे अच्छा वेदर और कुछ हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। ठंडा सा हवा मतलब पास हो रहा है और इतना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग्स। अगर किसी का भी मूड सैड हो ना, अगर वो इस टाइम पे मतलब निकल जाए घर से थोड़ा, अगर मतलब घूमने के लिए निकले तो इसका मूड एकदम से अच्छा हो जाएगा। बहुत सारा ट्राई करती हूँ, तो ये हमारे लोकल पे ही ये स्ट्रीट फूड मतलब मोमो मेरा फेवरेट, ये 50 रुपये में 12 पीस मिल रहा है, मतलब कहीं पे नहीं देता, इतना सस्ता और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये जो बहुत सारे यहाँ पर इसका चटनी दिया है, बहुत ही टेस्टी है ये सब। अभी ये यहाँ पर ये हम खा रहे हैं, फिर घर चले जाएंगे, तो आज का ब्लॉग यहाँ पर ही एंड होता है। नया नया और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, अभी तो दुर्गा पूजा का शॉपिंग बाकी है, आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर कर पाऊँगी और अब से सोच रही हूँ डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग भी करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन लोगों ने भी अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। तो अब तक के